संगम जो की है, राम का पार्ट तो रामायण में दिखाया हुआ है। राम का पार्ट रामायण में दिखाया हुआ है, राम का क्या पार्ट है? त्रेता युग में जो राम भक्ति मार्ग में बताया है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है या मर्यादाहीन है? हाँ, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहा जाता है। भक्ति मार्ग में तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहा जाता है। तो जो त्रेता में राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भक्ति मार्ग में त्रेता में दिखाया गया है, वो राम वाली आत्मा संगम युग में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पार्ट नहीं बजाए रही है। या यूं कहें कि त्रेता में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भक्ति मार्ग में दिखाया गया है, वो आत्मा संगम युग में सीता का पार्ट बजाती है। जो अव्वल नंबर सीता है, लक्ष्मी है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्योंकि लक्ष्मी वाली आत्मा विजयमाला की मुखिया है। काय पर विजय पाती है? विकारों पर नंबर वन विजय पाने वाली वही आत्मा जन्म लेते लेते संगम युग का एक जन्म मिला करके सतयुग के 8 जन्म, त्रेता में जाकर के 10वां जन्म होगा। इस जन्म में स्त्री चोला, किस जन्म में? संगम में स्त्री चोला। तो त्रेता के पहले जन्म में कौन सा चोला बनेगा? है, अरे 8 और जोड़ दो, स्त्री चोला इस जन्म में, तो पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष बनेगा। तो राम बनेगा कि सीता बनेगा? पहले नंबर का राम कौन हुआ वहां? है सीता वाली आत्मा हुई। तो इसलिए भक्ति मार्ग में जो भक्तों ने शास्त्र बनाए हुए हैं उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम त्रेता में जोड़ा हुआ है। शिव बाप जो हैं वो मर्यादाहीन विदेशी बनकर के आते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम स्वदेशी बनकर के आते हैं? है? क्यों? जब आए हैं देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करने, तो शिव बाप विदेशी बनकर के क्यों आते हैं? है, क्योंकि पतितों को पावन बनाने का काम संग के रंग के बगैर नहीं हो सकता। संग का रंग जरूर शरीर के साथ ही होता है, शरीर की कर्म इंद्रियों से ही होता है, शरीर के संबंधों के द्वारा ही होता है। इसलिए बाप विदेशी बनकर के आते हैं। मुरली में बोलते भी हैं कि अगर बाप विदेशी बनकर के ना आता तो तुम बच्चों से मिल भी न पाता, क्योंकि रुद्रमाला में जो बाप के बच्चे हैं, रुद्र के बच्चे रुद्रगण, वो ज्यादातर विदेशी बीज हैं या स्वदेशी हैं? है, सारे ही विदेशी हो जाते हैं। जो सूर्यवंशी हैं वो भी 8, जो अष्टदेव कहे जाते हैं उनमें से भी 7 विधर्मियों में कन्वर्ट हो जाते हैं आखिरी जन्म। तो जैसे कि सारे ही सूर्यवंशी भी कन्वर्ट हो गए, तो बच्चे हैं कहां? है,
रुद्रमाला में विदेशी हैं या स्वदेशी हैं? विदेशी है, विदेशी संस्कृति को अपनाए हुए हैं। ऐसे बच्चों को पति से पावन बनाने के लिए बाप को किस रूप में आना पड़े? जिसका उद्धार करना है उसी रूप में आते हैं। विजयमाला में तो नहीं आते, विजयमाला में आते हैं नहीं? विजयमाला में आवेंगे तो वो तो है ही पवित्र आत्मा है, जन्म जन्मांतर की रानियां। वो रानियों को पहले पति से पावन बनावेंगे कि राजाओं को पति से पावन बनावेंगे? राजाएं जन्म जन्मांतर के पति, तो बाप पतितों को पावन बनाने के लिए विदेशी बच्चों के बीच में आते हैं। विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं या स्वदेशी बाप को पहले पहचानते हैं? विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं और पहचान करके बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। वो दुनिया भी विदेशियों की बात नहीं है। कौन से विदेशियों की बात है? हैं? हाँ, जो ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर विदेशी बने पड़े। और शंकर है। इसका अर्थ यही है कि भक्ति मार्ग में राम को भगवान मान लिया है। रामायण में भगवान किसको माना है? राम को माना है या शंकर को माना है? राम को भगवान माना है। तो भगवान भक्त तो जानते ही नहीं कि भगवान क्या होते हैं। भक्तों ने तो कहीं राम का रूप दे दिया, कहीं कृष्ण का रूप दे दिया, कहीं गणेश का रूप दे दिया, कहीं हनुमान का रूप दे दिया। तो जो जिसका भक्त है उसने उसी को भगवान मान लिया। तो राम को जो भगवान माना है, वास्तव में वो भगवान है कौन? वो भगवान निराकार है या साकार है? निराकार है। तो उसके लिए उसने ये बोला क्या, आरो एक गुप्त मते सब कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर। अगर शंकर को नहीं मानोगे तो समझो मेरे को भी नहीं मान सकते, क्योंकि मैं मुकर्रर रत शंकर में ही आता हूं। मेरे साथ एक शंकर ही देवता है 33 करोड़ देवताओं के बीच में, जिसका नाम मेरे साथ जोड़ा जाता है, और उसको ही तुम नहीं मानोगे तो तुम मेरे को नहीं पा सकते। और शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहिन पावा। ये कहने वाला कौन है? राम भगवान। रामायण में ये कहने वाला राम भगवान स्वयं कहता है। भक्तों ने तो उसे राम बन मान लिया, लेकिन है तो शिव की बात ना, तो वो शिव ही स्वयं कहता है। भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिला के अगड़म पगड़म कर दिया। क्या गड़बड़ हो गया? शिव को ही शंकर और शंकर को ही शिव मान लिया। तो इसलिए उन्होंने जहां शिव बोला है, वास्तव में वो शंकर की बात है। तो भगवान ने स्वयं ही बता दिया कि शंकर द्रोही मम दास कावा, सोनर सपने मोह न पावा। वो स्वप्न में भी मुझे नहीं पा सकता। जो साकार स्वरूप को नहीं मानेगा वो क्यों, मैं साकार में आकर के ही सारी सृष्टि को परिवर्तन करता हूं, निराकार में रहकर के थोड़ी परिवर्तन करूंगा। साकार में आकर के ही सारा राज समझाता हूं।
निराकार में कैसे समझाऊंगा? भक्ति मार्ग में ये बातें बनाई हुई है कि भागीरथ ने तपस्या की, उस तपस्या के कारण गंगा आई तो, लेकिन आने के बावजूद भी शंकर की जटाओं में समा गई। वास्तव में वो जटाएं कोई और चीज नहीं है, मस्तिष्क से ही जटाएं निकलती है। तो बुद्धि में वो ज्ञान गंगा भ्रमण करने लगी। भागीरथ ने जो तपस्या की उसका रिजल्ट ये हुआ कि मनन चिंतन मंथन चलने लगा मन के अंदर ही, क्षेत्र तक वो गंगा बाहर नहीं आई। और जब बाहर आई तो उसका एक रूप ऊपर चला गया, एक रूप नीचे पृथ्वी पर रहा और एक रूप है पाताल में चला गया। तो ये तीन रूप गाए हुए हैं। एक रूप जो स्वर्ग में चला गया वो कौन सा रूप है? अरे जब ज्ञान जल बांटा जाता है तो किसके द्वारा बांटा जाता है? लक्ष्मी के द्वारा। तो वो लक्ष्मी गंगा का रूप है या नहीं है? वो भी गंगा का रूप है। वो स्वर्ण संगम युग में पहुंचती है। और एक है जो इस पृथ्वी पर पृथ्वीवारसी मनुष्यों का कल्याण करती है। यज्ञ के आदि में भी वो थी, मध्य में भी वो होती है और अंत में भी वो ही ज्ञान गंगाएं प्रत्यक्ष होती हैं। गंगा को कन्या के रूप में दिखाते हैं जूड़े में, तो जरूर कोई कन्या है जिसने एडवांस ज्ञान जल को सबसे पहले धारण किया है और उस एडवांस ज्ञान जल को धारण करने के बाद सर में समा गई। जब बाद में अंत में निकलती है तो पृथ्वीवासी मनुष्यों का कल्याण होता है। तीसरी गंगा है, उसका वो रूप जो पाताल में जाती है। पाताल में कौन रहते हैं? है असुर रहते हैं। वो गंगा का तीसरा रूप है जहां असुर स्नान करते हैं, वो है जगदम्बा। उस जगदम्बा की गोद में सभी राक्षस खेलते हैं पहले, बाद में वो असुर संहारिणी बनती है। गंगा ही निमित्त बनती है पातालवासी गंगा असुरों का उद्धार करने के लिए। और कोई आत्मा शरीर क्या उड़ाते हैं? है जब कोई मरता है ना, जब कोई मरता है ना तो वो तो देह से मरता है, और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में काय से मरता है?
देहभान से मरता है, संपन्न स्टेज को प्राप्त करता है। तो जो भी परिवार में संपन्न स्टेज को प्राप्त करता है, संपन्न स्टेज में जाता है, ऊंची स्टेज में जाता है, तो जितने भी परिवार वाले हैं उनका सबका माथा मोड़ लेता है। आप जब बेसिक में थे कभी? बेसिक में नहीं थे? अच्छा, तो पूर्व जन्म में माथा मुड़ा के आए होंगे। जो भी एडवांस ज्ञान में आए हैं वो बेसिक परिवार से जब आए हैं, वहां से मर करके एडवांस में आए हैं, तो अपने पिछले परिवार का माथा मुड़ा या नहीं मुड़ा है? कि उनके ज्ञान जटाएं रह गई है, उनकी ज्ञान जटाएं सब साफ सफाचट कर दी। तो ये तिरुपति का मंदिर है, इस तिरुपति के मंदिर में जो भी आते हैं वो अपने परिवार वालों का माथा मूड़ करके आते हैं। और बाबा यही तो करते हैं, दिया जलाते हैं और वहाँ खाना भी रखते हैं, कहते हैं वो आता होगा खाने के लिए। ज्ञान का दीपक तो जलाते ही और अंत में 36 में जब विनाश होगा तो पूरा मान काबू का पत्थर एक एक कण भी पिघल करके मिल जाएगा पानी में, तो पानी में नहीं मिल जाएगा है, लावा बन जाएगा। क्या? जैसे जब लोहा पिघलाया जाता है ना, या कोई भी धातु पिघलाई जाती है तो वो लावा के रूप में बन जाती है, तो ऐसे ही वो पत्थर भी पिघल करके क्या बन जाएगा? लावा बन जाएगा। वो ही पत्थर द्वापर के आदि में फिर जब विस्फोट होगा, अर्धविनाश होगा, तो वही पत्थर के कण सारे इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होकर के माउंट आबू पहाड़ के रूप में देखने में आ जाएंगे। ओहो, तपस्या ही करती जाएंगी या सुखधाम में भी जाएंगी है? तपस्या ही करती रहेंगी या सुखधाम में भी नसीब होगा उनको कि नहीं, ये पता नहीं है ना? जमुना का कंठा भूल गया है? तो अंत तक तुम वही तपस्या करते रहोगे? याद नहीं आ रहा है इसका मतलब अंत तक वहां रहोगे है? सुखधाम में पहले पहुंचना है या बाद में पहुंचना है? बाद में पहुंचोगे तो 10 करोड़वां नंबर हो जाएगा। ओहो, भले पहले पहुंच जाओगे लेकिन बाद में पहुंचोगे ना। पत्थर पिघलने के बाद जो पहुंचेंगे वो तो माउंट आबू वासी होंगे ही नहीं, माउंट आबू में जाके बसेंगे ही नहीं। झुक जाती है कि झुकी हुई है? हाँ, द्वापर युग में, द्वापर के आदि में पृथ्वी जो है, पृथ्वी माता, धरणी माता झुक जाती है। क्या? उससे पहले झुकने की बात नहीं है। ये माताओं कन्याओं का झुकना द्वापर कलयुग में होता है या सतयुग त्रेता में होता है? द्वापर कलयुग में ये कन्याएं माताएं धरणी ये झुकती है। का है?
शरीर कंचन का है जो कंचन का है। हाँ सबका अपना अपना फ्रीज होने का टाइम है, एक जैसा टाइम सबका थोड़े ही है। कोई आत्माएं होंगी जो सतयुग के अंतिम जन्म में बर्फ से बाहर आवेंगी, आखिर में जाकर के 150 साल के बाद। कोई बीच में ही आ जाएंगी, कोई आदि में ही बर्फ से बाहर आ जाएंगी। अरे भाई जितनी लंबी बीमारी होगी उतनी लंबी तो प्रक्रिया होगी इलाज की। बीमारी कम लंबी होती है तो इलाज की प्रक्रिया भी कम लंबी होती है। जो पहले नंबर परमधाम में पहुंचेंगे इसका मतलब उन्होंने पहले ही अपने को फ्रीज कर लिया है, संकल्पों को जाम कर लिया है, उन्हें ज्यादा लंबे समय तक बर्फ में दबे रह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जैसा जीवन पृथ्वी पर है वैसे और ग्रहों पर भी है, और ग्रहों पर भी पृथ्वी जैसा जीवन है क्या? जो भी सूरज चांद सितारे हैं वो जड़ हैं, और जो जड़ सूरज चांद सितारे हैं वो पृथ्वी से, पृथ्वी के मुकाबले सूर्य से जास्ती दूर हैं या नजदीक हैं? है, लेकिन पृथ्वी के बराबर ही तो नहीं है कोई। तो पृथ्वी के बराबर जो हो वहां जीवन होगा, क्योंकि सूर्य से निश्चित दूरी पर तापमान पृथ्वी पर है, उस तापमान में जीव जंतु रह सकते हैं। पृथ्वी पर ही देखने में आता है कि उत्तरी ध्रुव का तापमान और दक्षिणी ध्रुव का तापमान कितना महान अंतर हो जाता है। उत्तरी ध्रुव पर कोई जीव जंतु नहीं रह सकता, साउथ पोल पर भी कोई जीव जंतु नहीं रह सकता, वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है तो दूरी हो जाती है। तो जहां इतनी थोड़ी सी दूरी हो गई तो जीव जंतु नहीं। प्राणियों के जीवन का चांस ही नहीं है। हम बहुत ऊंचे पहाड़ पर जब चले जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, एवरेस्ट चोटी तो नीचे ही धरी है। क्या एवरेस्ट चोटी पर जो ले जाते हैं उनको भी ऑक्सीजन का घड़ा लेकर के जाना पड़ता है, नहीं तो मर जाएंगे। तो जो मीलों ऊंचे पहाड़ हैं, एवरेस्ट की चोटी तो बहुत थोड़ी ऊंचाई पर है, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं। वहां तो संभावना ही नहीं है मनुष्य के जीवन की, क्योंकि तिरछे थोड़ी सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी हो गई। तो लंबाई ज्यादा हो गई या कम हो गई? ज्यादा हो गई। अरे पृथ्वी पर ही जब इतना तापमान में अंतर पड़ जाता है तो और दूसरे ग्रह उपग्रह तो कितने नजदीक हैं और कितने दूर हैं। मनुष्य की बुद्धि तो एकदम पत्थर बुद्धि हो गई, हमने भी ऐसे ही समझ लिया था। क्या समझा था? कि चंद्रमा पर देवताएं रहते हैं क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, मंगल पर जीवन है क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है। वास्तव में ये सब गपोड़े हैं या सच्चाई है? गपोड़े हैं। अब चूंकि वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी उपलब्धियां कर ली हैं,
उन उपलब्धियों के सारे हम प्रभावित हो गए। जब प्रभावित हो गए हैं तो जैसे उनकी प्रजा बन गए। अब जो भी बात बोलते हैं सत्य वचन महाराज, वो बोलते हैं कि मनुष्य सृष्टि के आदि में बंदर था। डार्विन थ्योरी निकाली ना, तो जब डार्विन थ्योरी निकली तो सब कहने लगे सत्य वचन महाराज पहले मनुष्य बंदर था। बाद में उन्हीं वैज्ञानिकों ने डार्विन थ्योरी को झूठा साबित कर दिया। तो देखो, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं आता है और मनुष्यों की वाणी के ऊपर कितना विश्वास आता है। भरी सभा में वेरीफाई कराना चाहते, आपको विश्वास नहीं हुआ भगवान की वाणी पर है? विश्वास है ना, तो क्यों बोलते हो? भरी सभा माताएं हैं बेचारी, बरगलाई जाएगी। और खंड को भारत खंड कहते हैं, तुमने जम्मू कश्मीर का नाम नहीं सुना? अब जम्मू कश्मीर का नाम सुना कि नहीं? हाँ, तो जम्मू अभी भी है। वो तो कथावात्रा करने वाले पैसा लेने के लिए कहते हैं, टका धब्बे। है तुम फट से कूद के स्वर्ग में चले जाते हो। बाबा मुरली में ब्रह्मा और कृष्ण वाले स्वर्ग की बात करते हैं, यह संगमयुगी स्वर्णिम सुख की स्वर्ग की बात करते हैं। बाबा तुम्हें कौन से स्वर्ग में पहुंचाने के लिए आए हैं? लेकिन कृष्ण से ज्यादा प्यार है मेरा बच्चा, तो फटाक से बुद्धि वहां पर चली जाती है। यहां की बात, वहां की बात नहीं है। वहां का लक्ष्य बाबा हमको नहीं देते हैं। वहां का लक्ष्य जिनकी बुद्धि में आता है वो अभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। जैसे ब्रह्मा कुमारी की बुद्धि में संगम युग में कोई स्वर्ग बनेगा, ये बात उड़ गई। उड़ गई कि है? उड़ गई। वो समझते हैं हम शरीर छोड़ देंगे, फिर सत्युग में जाएंगे, फिर ब्रह्मा बाबा कृष्ण के साथ जन्म लेंगे। इसके अलावा और कोई स्वर्ग बनने वाला नहीं है। तो वहां स्वर्ग की बात है, यहां संगम युग की बात है। अच्छा, यहाँ सारे संबंध नहीं होंगे भगवान के साथ? और बाबा है अरे कंचन काया उनकी होगी जो बाप के सन्मुख बैठ करके निश्चय पूर्वक बाप को मानेंगे। जो विधर्मी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स हैं वो साकार बाप को भगवान के रूप में मानेंगे। अभी अभी तो बात हुई, सो नर सपने हो मोहि न पावा। वो तो वहां उन्होंने ग्लानिंग की है द्वापर युग से लेकर के अभी भी ग्लानिंग कर रहे हैं। मंदिरों को तोड़ करके तुड़वा करके गिरजाघर बनवाते जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनवाते जा रहे हैं। ग्लानी सुना सुना करके ही जो बना रहे हैं, तो यहाँ शूटिंग नहीं कर रहे होंगे। यहाँ शूटिंग हो रही है, उन्हें बार बार बाप के ऊपर अनिश्चय आएगा।
अनिश्चय आएगा, खुद भी लात मारेंगे और दूसरों को भी मारो गोली, भगवान नहीं है शैतान है। पूजय मन कामना तुम्हारी और उससे पहले सत्य सत्य हमारी, ये तो अधूरा हो गया। सी सत्य आशीष हमारी, हमारी जो सत्य आशीष है वो सुनो, वो सत्य आशीष जो है वो सुनने से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सच्चा वरदान तो बाप ही आकर के देते हैं। वरदान क्या है, गुरुओं की तरह वरदान थोड़े ही देते हैं, जो ज्ञान सुनाते हैं वो ही वरदान है, यही सत्य वरदान है, यही सत्य आशीष है। तुम सब सीताएं हो, सुनो आशीष लो। जन्म जन्मांतर के लिए पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, बाप कहां कोई अभिशाप देते हैं। बाप तो जो भी ज्ञान सुनाते हैं वो वरदान लेने के लिए ही सुनाते हैं, बाकी डायरेक्ट मुख से कहते नहीं है कि तुम्हारे कृष्ण जैसा बच्चा पैदा हो जाएगा। ज्ञान धारण करो, सच्चाई को धारण करो, वरदान ले लो, आशीष ले लो। और सूरज पूरब से पश्चिम नहीं जाता है। अरे एक जमाना ऐसा था, एक समय हाँ, पश्चिम नहीं जाता। वो कौन सा जमाना था सुनाओ, डिक्लेयर करो। बोल बताओ ना, उसका डिटेल तो बताओ है कि सूरज पश्चिम में नहीं जाता है। ये तो द्वापर युग से सभी ने देखा, भगवान आते हैं तो कलकत्ते में आते हैं, वो पूरब है। फिर जब भगवान का ज्ञान छुप जाता है तो सिंधी दीदी दादी दादियां उनकी मुट्ठी में आ जाता है, वो पश्चिम में चला गया। तो पूरब से पश्चिम गया ना, अब पश्चिम से फिर पूरब में आ जाने वाला। ये इतना लंबा चौड़ा लिखा है, ये कौन पढ़ेगा बैठ करके। त्रेता के बाद अर्धविनाश कैसे होता है और किसका होता है? त्रेता के बाद अर्धविनाश संगम युग में जिन्होंने संपूर्ण स्टेज को पाया होगा उनका विनाश होगा, या जिन्होंने अधूरा पुरुषार्थ किया होगा उनका विनाश होगा? सीधी सी बात, जिन्होंने अधूरा पुरुषार्थ किया होगा वो द्वापर के आदि में अधूरे देवता हैं, अधूरे देवता होने के कारण आत्मा पतित बन जाती है। सबसे जास्ती पतित आत्मा दूसरे धर्म वालों में किसकी बनती है?
ये काम विकार ही सबसे जास्ती पतित बनाने वाला है। तो इस्लाम धर्म की जो आत्मा है, जिसको दिखाया पांडवों के साथ कौन गया, कुत्ता भी चला गया, तो वो आत्मा स्वर्गारोहण से पहले नीचे गिरती है, अति की पतित बन जाती है। तो द्वापर के आदमी जो आत्मा सबसे जास्ती पतित होती है सृष्टि पर, उसमें पहली आत्मा इब्राहिम की आके प्रवेश करेगी। पावन आत्मा किसमें प्रवेश करेगी? पतित में। सबसे जास्ती पतित में प्रवेश करेगी या अधूरे पतित में प्रवेश करेगी? जो सबसे जास्ती पतित उसमें प्रवेश करेगी, उन्हीं का विनाश होता है। और कैसे विनाश होता है? जो प्रकृति है, मनुष्य की प्रकृति बिगड़ती है तो वो स्थूल प्रकृति भी बिगड़ने लगती है। प्रकृति स्वभाव संस्कार को कहा जाता है। द्वापर के आदि में मनुष्यों का स्वभाव संस्कार, ढेर के ढेर इस्लामी आत्माएं नीचे उतरती है, वो सबको विभिचारी दृष्टिवृत्ति वाला बना देती है। तो प्रकृति गिरी, मनुष्य की प्रकृति स्वभाव संस्कार नीचे गिरा या ऊपर उठा? नीचे गिर गया। तो जब मानवीय स्वभाव संस्कार नीचे गिरता है तो जो स्थूल प्रकृति है वो भी विकराल रूप धारण करती है। विकराल रूप धारण करती है तो पृथ्वी में कंपन आ जाता है, आधा विनाश हो जाता है। एक कल्प 5000 वर्ष का होता है, उसका प्रूफ और प्रमाण क्या है? अरे अभी अभी तो मुरली चली है, उसमें यही बात तो बताई गई। 5000 वर्ष का ड्रामा है, 5000 का सृष्टि चक्र है, इसका प्रूफ क्या बताया? पक्का प्रूफ बताया। क्या बताया याद है किसी को? भूल गए? हाँ, जहाँ दुख होता है वहाँ दिन घड़ी नक्षत्र गिने जाते हैं, महीने गिने जाते हैं, वर्ष गिने जाते हैं, और जहाँ दुख नहीं होता है वहाँ कोई भी समय की गिनती नहीं होती है और उस गिनती का प्रूफ भी नहीं होता है। तो ये समय की गिनती सभी धर्मों में चल रही है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी धर्म वाले समय की गिनती कर रहे हैं। उस गिनती का नाम भी उन्होंने रखा हुआ ईसा संबत, विक्रम संबत, शक संबत, पूर्ण संबत, हिजरी संबत। इनसे क्या साबित होता है कि जब से ये संबत मनुष्यों ने शुरू किए हैं तब से मनुष्य दुख की दुनिया में आ गया। 2000 वर्ष सुख की दुनिया है, दो दुख की दुनिया है, तो जरूर दुख की दुनिया ठोकरों की दुनिया होती है। मनुष्य ठोकर खाता रहता है, रोता रहता है, दुखी होता रहता है, ये अंधियारे की दुनिया है। अंधियारे में ठोकरें खाते हैं या दिन में ठोकरें ज्यादा खाते हैं? अंधेरे में ज्यादा ठोकरें खा। तो अंधकार आधा समय और दिन भी आधा समय, ये 2500 वर्ष है संबत की दुनिया, दुख की दुनिया, और 2500 वर्ष है सुख की दुनिया। ये दिन गिनने की दुनिया जो है
वो मनुष्यों की बनाई हुई है। संबत ही शाह हिजरी वगैरह ये मनुष्यों ने बनाए हैं। मनुष्य नरक बनाता है, नरक का संबत बनाता है। भगवान जो दुनिया बनाते हैं उसमें कोई दिन नहीं गिने जाते, वो सुख की दुनिया है, वो भी 2500 वर्ष। तो शास्त्र में गाया हुआ है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, आधा दिन आधी रात। जैसे स्थूल में होता है 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, ऐसे ये बेहद की दुनिया है जिसमें 2500 वर्ष दिन है और 2500 वर्ष रात। सुनो, बाबा ने तो बच्चों को प्रकृष्ट रूप से जन्म लेने वाला प्रजा बनाया। क्या बाबा ने ब्राह्मण बच्चों को प्रकृष्ट रूप से जन्म लेने वाली प्रजा, जा माने जन्म लेने वाला, प्रा माने प्रकृष्ट रूप से प्रजा बनाया। तो फिर जब बच्चे प्रजा बन गए तो मात पिता तो बच्चों से श्रेष्ठ हो गए ना, तो मात पिता को बच्चों का दास दासी क्यों बनना पड़ता है? हाँ बोलो। मात पिता कौन है? है जगत पिता जगदम्बा। वो अगले जन्म की बात है या इस जन्म की बात है? है इस जन्म की बात है दास दासी बनना। है वो तो अगले जन्म की बात है, अगले जन्म में दास दासी बनेंगे। इस जन्म में तो श्रेष्ठ ही है ना, तो श्रेष्ठ बनेगी। हाँ अगर ब्रह्मा सरस्वती की बात करें कि ब्रह्मा सरस्वती जो है वो ब्राह्मण बच्चों के माता पिता हैं, तो ब्रह्मा सरस्वती बच्चों की दृष्टि में श्रेष्ठ हैं या नीचे हैं? हैं श्रेष्ठ हैं। तो ब्रह्मा सरस्वती अगर बच्चों की दृष्टि में श्रेष्ठ हैं, भाई बाप कैसा भी काम करे आखिर बाप ही कहा जाएगा ना। बाप के प्रति बच्चे की नीच भावना होनी चाहिए या ऊंच भावना होनी चाहिए? ऊंची भावना होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि मम्मा और बाबा ने जो निस्तस्त बच्चे हैं दौर और धर्मों के, उनको गोद में पालना दी और जो श्रेष्ठ हैं वो ठुकराए गए और दूसरे जन्म में आकर के बच्चे बन गए। बेसिक में मम्मा बाबा के बच्चे बनते हैं ना, तो बच्चे बन गए तो भी उनकी दृष्टि में मम्मा बाबा तो श्रेष्ठ ही है। लेकिन मम्मा बाबा ने जो कृत्य किया वो अच्छा किया सूर्यवंशी को बच्चों के प्रति या निष्कष्ट कर्म किया? है नीचा काम कर दिया ना, तो उसका फल नहीं मिलेगा। है फल मिलता है तो वही मम्मा बाबा जो है वो सूर्यवंशी बच्चों के दास दासी बन करके कार्य करते हैं, सूक्ष्म शरीर धारण करके। और शिव बाबा कहते हैं, सिर्फ कहते ही नहीं है,
प्रैक्टिकल में करके भी दिखाते हैं बच्चे, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। उसमें जो रामायण में दिखाया हुआ है कि राम सीता का हनुमान क्या बना, दास दासी बना, है कहां की बात, संगम युग की बात। ब्रह्मा की तरह ज्यादा सहन करना अच्छी बात है या शंकर की तरह ज्यादा सामना करना बड़ी बात है? अच्छी बात है, क्योंकि देवताओं में बड़ा शंकर, तो उनका गुण भी बड़ा होगा ना, बताओ है? ब्रह्मा का सहन करने का गुण ज्यादा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ बनाता है, या शंकर का सामना करने का गुण ज्यादा श्रेष्ठ बनाता है? सामना करने का गुण ज्यादा श्रेष्ठ बनाता है, है? नारायण बने, सामना करने से नारायण बनेंगे। अच्छा ये सब बातें छोड़ दो, मुरली में क्या बोला है? मुरली में सर्वगुणों का राजा सहनशीलता बताइए। तो जो सहनशीलता धारण करेगा वो बड़ा राजा बनेगा, या जो सामना करेगा वो बड़ा राजा बनेगा? है सामना करने वाला बनेगा, क्योंकि वो तो बनते शत्रु के बनते हैं, हाथ के बनते हैं, सामना करने वाला चाहिए। अच्छा नहीं, ब्रह्मा तो शरीर छोट गए, छोड़ गए, शंकर वाली आत्मा शरीर छोड़ती नहीं है, शरीर रहते रहते ही वो ब्रह्मा का अव्वल नंबर का टाइटल खुद ही धारण करती है। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा का ज्यादा गायन है या और ब्रह्मा का ज्यादा गायन है? दक्ष प्रजापति का गायन है। तो जो दक्ष प्रजापति का गायन है वो भी ब्रह्मा है अव्वल नंबर का। ऐसे नहीं है कि शंकर वाली आत्मा सहन नहीं करती है, सहन नहीं करती है, सहन करना पड़े, परिवार के लिए सहन किया जाता है और बाहर वालों के लिए सामना किया जाता है, परिवार का कल्याण न हो जाए इसलिए सहन करना है, और बाहरी दुनिया के लिए सामना करना है। गीता ज्ञानदाता कष्ट नहीं है ये हम मानते हैं, लेकिन दुनिया वालों को इस बात का कोई ज्ञान नहीं, वो नहीं मानते। शिव शंकर भोलेनाथ गीता ज्ञानदाता है, इस बात की दुनिया में कोई यादगार क्यों नहीं है? दुनिया में जो यादगार बनेगी वो संगम युग की बनेगी, संपन्न स्टेज की यादगार बनेगी, या दूसरे युग की बनेगी? तो संगम युग में ही जो ब्राह्मणों की बड़ी दुनिया है भक्तों की, वो बेसिक वाले भक्तों की बड़ी दुनिया है या एडवांस वालों की बड़ी दुनिया है? है एसिक वालों की बहुत लंबी चौड़ी दुनिया है, और वो शूटिंग कर रहे हैं इस बात की,
कि गीता का भगवान है कृष्ण ही है, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा बाबा ही गीता का साकार भगवान है, दुनिया में और कोई भी गीता का साकार भगवान नहीं हो सकता। तो ये प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है क्या है, यादगार नहीं है? हाँ जी, प्रश्न आया है, मंजरी माँ को आदि की कहानी में कहीं भी नहीं बताया गया, लेकिन अभी तो वो है और ऊंच पद पर है, सूर्यवंशी बच्चों की माँ भी है, बाबा के नजदीक भी है, तो क्या वो आत्मा आदि में भी बाप के नजदीक रही होगी? बताओ, आदि में अष्ट देवों का अंतिम 84वां जन्म होता है या फर्स्ट जन्म होता है? 84वां जन्म होता है, और जो 84वां जन्म होता है उसमें अष्टदेव दूसरे धर्म में गिरते हैं या सूर्यवंशियों के साथ रहते हैं? है, सूर्यवंशी बाप के साथ नहीं रहते हैं, वो चंद्रवंशियों के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो मंजरी माँ भी है चंद्रवंशियों के कंट्रोल में आ गई, इसलिए उसका नाम नहीं है, उसका ही नहीं अष्टदेवों में से किसी का भी नाम नहीं है। सिर्फ इतना बताया है कि तुम बच्चों ने इन दीदी दादियों को भी है गुण रत्नों से श्रृंगार किया है, इतना हिंट दे दिया। माने गुणों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दीदी दादी दादाएं इतने श्रेष्ठ नहीं थे जितने तुम अष्टदेव बच्चे थे, उनमें मंजरी भी है। बाबा, पत्थर जब अति का गर्म होगा, लाल लाल लावा बन जाएगा, टूट जावेगा, वो होता है जड़ बुद्धि, कड़क पत्थर है वो इतना लावा कैसे बन जावेगा? पूछने वाले को याद ही नहीं रहा कि सबसे बड़ी अग्नि दुनिया में कौन सी होती है, जो लोहा तो लोहा पत्थर और चांदी को भी पिघलाई देती है, है? कौन सी चीज है? पर सब भूल गए, योगाग्नि ऐसी चीज है जो कड़क से कड़क ग्रेनाइट पत्थर को भी पिघला देगी। वो पत्थर बुद्धि भी क्या बन जाएंगे? पारस बुद्धि बन जाएंगे। धारणा की बात में अगर देखा जाए तो बाहर के पंडित विद्वान आचार्य और सन्यासी आदि में ज्यादा धारणा होती है, होती है या नहीं है? प्योरिटी उनमें ज्यादा होती है या कम होती है? पवित्रता के आधार पर सारी धारणाएं बनती हैं।
और ब्राह्मणों की दुनिया में वो धारणा क्यों नहीं देखने में आती? हम भगवान बाप के बच्चे बने हैं तो धारणा हमारे में जास्ती होनी चाहिए या बाहर दुनिया वालों में धारणा जास्ती होनी चाहिए? हैं? हाँ, तो हम बच्चों में भी जो भक्ति मार्ग के पंडित विद्वान आचार्य हैं उनमें देख लो, उनमें धारणा जास्ती है या कम है? हाँ? कौन है वो भक्ति मार्ग के पंडित, ब्राह्मणों की दुनिया के पंडित आचार्य है? बेसिक वाले हैं। उन बेसिक वालों में प्योरिटी ज्यादा है, तो प्योरिटी ज्यादा होने के कारण धारणाएं भी जाती है। और ये तो किसकी सेना है? हैं? ये तो राम की सेना है। बंदरों में धारणा जाती होती है या दूसरे जानवरों में ज्यादा धारणा होती है? हैं? बंदरों में धारणा कहां होती है? उनमें तो पांचों विकार सबसे जास्ती होते हैं, परंतु बाप एक सेकंड में क्या बनाता है? ब्रह्मा सो विष्णु बनाता है। बाबा ने आज की मुरली में बोला है, अच्छी अच्छी महारथी है जो याद में नहीं रहते, इसलिए सारे ज्ञान के पॉइंट भूल जाते हैं। फिर बाबा वो अच्छे महारथी कैसे हुए? हैं? अच्छे महारथी ऐसे हुए कि वो दुनिया को दिखाने के लिए, अपने फॉलोअर्स को दिखाने के लिए सेवा का दिखावा ज्यादा करते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी बुद्धू बना लेते हैं, ब्रह्मा बाबा ही समझते हैं बड़ा अच्छा सर्वसेवक बच्चा है, लेकिन बजाय सर्विस करने के उसके पीछे उसके अंदर भरी हुई है मान सम्मान लेने की आशा। जैसे जगदीश भाई किस बात में फेल हो गए? बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ शास्त्र वेद बना दिए, ईश्वरीय सेवा हुई, भगवान बाप प्रत्यक्ष हुआ या मान मर्तबा लिया? ब्राह्मणों की दुनिया में मान मर्तबा लिया, तो वो याद में तीखे नहीं है, उनको ज्ञान में तीखा नहीं कहेंगे। जो याद में तीखा होगा वो सूक्ष्म बुद्धि बनेगा, चाहे आत्मा की याद करे चाहे परमपिता परमात्मा की याद करे, आत्मा परमात्मा दोनों सूक्ष्म को याद करेगा तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, और सूक्ष्म बुद्धि में ज्ञान के पॉइंट गहराई से टिकेंगे। ज्यादा गहराई से टिकने के कारण मनन चिंतन मंथन जास्ती चलेगा, उल्टे रूप में नहीं चलेगा, सीधे रूप में चलेगा। है एक आयु हाँ, शंकर जी पे चढ़ाते हैं या शिवलिंग पे चढ़ाते हैं? सही सही तो बोलो, काहे पे चढ़ाते हैं? शंकर जी पे चढ़ाते हैं, लो शिव शंकर को मिला के एक कर दिया। अरे माता को क्यों बैठा दिया, पूरी बात तो कह लेने दो। हाँ माता जी, बेलपत्री शंकर जी के ऊपर चढ़ाते हैं या लिंग के ऊपर चढ़ाते हैं? हाँ, तो लिंग जो है वो शिव है, जिस संपन्न पुरुषार्थी रूपी शरीर में प्रवेश करता है उसकी यादगार है लिंग,
वो निराकारी स्टेज में स्थित होने के कारण उसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाई जाते। इस शरीर में से हाथ पांव नाक आंख कान और ये ज्ञान इंद्रियों का हिस्सा काट दिया जाए तो क्या रह जाएगा? लिंग रह जाएगा। वो लिंग रूप जो है, उस लिंग रूप को भक्तों ने पूजा है, बेसिक ज्ञान वालों ने। क्या? और एडवांस ज्ञान वालों ने भी पूजा है, वेद के रूप में जब पूजा है तो सेवा करेंगे कि पूजा करेंगे? सेवा करते हैं। तो ब्रह्मा जैसी आत्माएं, विष्णु जैसी आत्माएं और शंकर जैसी आत्माएं, तीन तीन आत्माओं का जो कार्य व्यवहार है, ऐसा व्यवहार करने वाली आत्माओं को अर्पण करते हैं। जो विष्णु बनती है वो स्थापना के कार्य में भी सहयोगी बनते हैं, पालना के कार्य में भी सहयोगी बनते हैं और विनाश के कार्य में भी सहयोगी बनते हैं। ऐसे तीन प्रकार के कार्य व्यवहार को अपनाने वाली आत्माओं को उस लिंग पर अर्पण किया है। किन्होंने अर्पण किया है? बच्चों ने। जिन बच्चों ने अर्पण किया है वो बच्चे ब्राह्मणों की दुनिया में बैठे हैं या बाहर की दुनिया में? वास्तव में वो अर्पण करना चाहिए शिव परम पिता परमात्मा के लिए या देहधारी के लिए? बेसिक में भी ऐसे निकले, जो भी सेवा की वो समझा कि हमने ब्रह्मा बाबा की सेवा की। एडवांस में भी ऐसे निकलते हैं जो राम के ही भक्त बनकर के रह जाते हैं। ये बुद्धि में नहीं रहता कि हम शिव की सेवा कर रहे हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में वो बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चल रही है।